आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है कि x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो जैसा कि हमारे पास प्रश्न दिया है, हम क्या लिख सकते हैं? I बराबर समाकलन log x ऋण 2 बटे log x की घात 3 पूरे x के सापेक्ष समाकलन हमें करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका हम सीधे सीधे समाकलन नहीं कर सकते चूंकि यह कठिन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log x ऋण 2 बराबर हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। t हमने मान लिया, तब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ x के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो हमें क्या प्राप्त होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बटे x, ऋण 2 का अवकलन करेंगे 0, तथा t का अवकलन करने पर dt बटे dx मिलेगा। यहाँ से पक्षांतर करने पर x बराबर क्या मिला, dx बराबर क्या मिला, x dt हमें मिला। दोस्तों चूंकि हमने क्या माना था, चूंकि log x ऋण 2 बराबर t माना था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log x ऋण 2 बराबर t, इसलिए log x बराबर क्या हो जाएगा, t धन 2। अतः चूंकि यहाँ पे log x के आधार में e है, इसलिए पक्षांतर करने पर x बराबर क्या मिलेगा, e की घात t धन 2 हमें मिल जाएगा। तो चूंकि x बराबर हमें क्या मिल गया, e की घात t धन 2, इसलिए dx का मान क्या आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर dx बराबर हम लिख सकते हैं x की जगह e की घात t धन 2 dt, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने माना है तथा जो हमें ज्ञात हुआ है, इन दोनों मानों को यदि हम रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये देखते हैं। हम लिख सकते हैं इसलिए I बराबर log x ऋण 2 की जगह क्या रखेंगे, t बटे log x की जगह में हम क्या रख सकते हैं, t धन 2 पूरे की घात कितना हो जाएगा, 3, व dx की जगह में हम क्या रख सकते हैं, e की घात t धन 2 dt। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर चूंकि ये आधार है तथा घात में t धन 2 है, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, e की घात t गुणित e की घात 2 गुणित t बटे t धन 2 पूरे की घात 3। यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, t में अर्थात अंश में यहाँ t के साथ जो 2 जोड़ सकते हैं, 2 घटा सकते हैं, तो हमें पुनः t प्राप्त हो जाएगा। और देखते हैं कि इसके अनुसार प्रश्न कैसे हल होगा। यहाँ से e की घात t अचर राशि है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं, अंदर में क्या आ गया, e की घात t। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे t धन 2 ऋण 2 है और हर में t धन 2 की घात 3 है, तो अलग अलग अंश के मानों के लिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ऋण 2 बटे t धन 2 पूरे की घात 3 और t के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे। यहाँ से दोस्तों t धन 2 से यदि अंश और को कटा दें तो नीचे में घात 2 बच जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, e की घात 2 समाकलन e की घात t गुणित 1 बटे t धन 2 का वर्ग ऋण 2 बटे t धन 2 का घन, तथा पूरे को क्या करना है, t के सापेक्ष यहाँ समाकलन करना है। दोस्तों यहाँ पर यदि हमें कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए जहाँ e की घात t के साथ किसी फंक्शन ऑफ t का गुणा हो, या फिर e की घात x के साथ किसी फंक्शन ऑफ x का गुणा हो, तब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस स्थिति में हम इसे हमारे एक सूत्र के लिए इसका जांच कर लेते हैं। और वह सूत्र क्या है, वह सूत्र हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसे हम समीकरण पहला कह देते हैं, तथा वह सूत्र लिख सकते हैं, चूंकि यदि हमारे पास e की घात x होता है, e की घात x गुणित फंक्शन ऑफ x धन f डैश
एक्स हमारे पास हो तो इस और इसे हम एक्स के सापेक्ष यदि समाकलन करें तो इसका हल क्या प्राप्त होता है, e की घात एक्स फंक्शन ऑफ एक्स धन सी, ये हमें इसका हल प्राप्त होता है। इसे हम समीकरण दूसरा कह देते हैं। तो यह जो समीकरण एक है उसको समीकरण दो के लिए हम जांच करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण एक का दो से तुलना, समीकरण एक का दो से तुलना करने पर। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे हमारे पास यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम फंक्शन ऑफ टी मान लेते हैं। तो यहाँ से इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण एक से, यहाँ हम समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ टी बराबर एक बटे टी धन दो का वर्ग। इसको अब हम देख सकते हैं कि सूत्र में हमारे पास धन क्या है, एफ डेस एक्स है, और यहाँ पे ऋण दो बटे टी धन दो पूरे की घात तीन है। तो हमें जांच करना है कि क्या एफ डेस टी बराबर यह प्राप्त होता है। तो यहाँ यदि हमें एफ डेस टी चाहिए तो हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं टी के सापेक्ष अवकलन। तो आइए देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ से टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हमें मिलेगा एफ डैश टी बराबर डी डी टी टी धन दो का वर्ग। तब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी टी धन दो की घात क्या आ जाएगा, ऋण दो आ जाएगा, ऊपर में आके ऋण दो हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं चूंकि डी डी टी के लिए हम जानते हैं यदि हमारे पास क्या हो एक्स, सॉरी डी डी एक्स हम ले लेते हैं, इसके लिए हम जानते हैं एक्स की घात एन बराबर एन एक्स की घात एन ऋण एक प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा ऋण दो टी धन दो की घात ऋण दो ऋण एक मिलेगा, तथा टी धन दो का अवकलन करेंगे तो गुणित हमें क्या मिल जाएगा, एक धन शून्य। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, ऋण दो तथा टी धन दो को यदि नीचे ले जाए, टी धन दो की घात में क्या है, ऋण दो ऋण एक ऋण तीन है, नीचे जाके टी धन दो की घात क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। एफ डेस टी का मान हमें प्राप्त हुआ ऋण दो बटे टी धन दो की घात तीन। तो यहाँ से यह जो भाग है हमें क्या प्राप्त हो गया, एफ डेस टी प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं हमारे पास क्या है, ए की घात दो ए की घात टी एक बटे टी धन दो का वर्ग ऋण दो बटे टी धन दो की घात तीन, टी के सापेक्ष इसका समाकलन। और टी के सापेक्ष समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, ये देखते हैं। चूंकि यह क्या हो गया हमारा एफ फंक्शन ऑफ टी हमने इसे लिया था, और हमारा एफ डैश टी क्या आ गया है, हमारा एफ डैश टी यहाँ यह जो है वह एफ डैश टी प्राप्त हो गया है। तो सूत्र के अनुसार यदि हम देखें क्या मिलना चाहिए, ई की घात एक्स फंक्शन ऑफ एक्स मिलना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ क्या मिलना चाहिए, ई की घात दो पहले लिख लेते हैं, और यहाँ हमें मिलना चाहिए ई की घात टी गुणित फंक्शन ऑफ टी जिसका मान क्या है, एक बटे टी धन दो पूरे का वर्ग, और इससे सी में जोड़ दूंगा। तो यहाँ से आई बराबर यह था, तो अंततः हमें क्या मिला, आई बराबर ई की घात, हमारे पास ई की घात दो गुणित ई की घात टी है, तो ये क्या हो जाएगा, ई की घात दो धन टी गुणित एक बटे टी धन दो का वर्ग धन सी। और टी का मान यहाँ पे क्या है दोस्तों, टी का मान यहाँ लॉग एक्स ऋण दो है। तो यहाँ से हम यदि मान रखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की घात दो धन लॉग एक्स ऋण दो बटे लॉग एक्स ऋण दो धन दो पूरे का वर्ग धन सी। यहाँ से हम देख सकते हैं दो से दो कटेगा, यहाँ पर भी दो से दो कटेगा,
तो हमारे पास i बराबर क्या आ गया, e की घात log x गुणित 1 बटे log x का वर्ग धन c। अब दोस्तों चूंकि हम जानते हैं, चूंकि यदि हमारे पास e की घात log आधार e a हो तो हमें क्या प्राप्त होता है, a प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, e की घात log x है तो यहाँ आधार e है, इसलिए हमें यहाँ प्राप्त होगा x, x बटे log वर्ग x धन c। तो यही हमारा हल होगा। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।